तो इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू फाइंड कि एसी सर्किट में पावर क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन डीसी सर्किट, बेटे इन डीसी सर्किट पावर आपको अगर याद है तो पावर को हम लिख देते हैं वी आर, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। क्लियर, यहाँ पे वोल्टेज और करंट वो था कांस्टेंट क्वांटिटीज, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करती। तो इसका मतलब दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो अगर कांस्टेंट है तो जो रिजल्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा, वो भी क्या आएगा, फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो एसी में और डीसी में ये मेन फर्क आपने समझना है कि डीसी सर्किट में पावर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। क्यों रहती है बेटा? क्योंकि जो वोल्टेज अप्लाइड है और जो करंट है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इसके कुछ और फॉर्मूले भी आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हमने किया था ये किसने किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और पावर का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होगा बेटा, V इक्वल टू आई आर है ना। तो V कैन बी रिप्लेस बाय आई स्क्वायर आर और आई कैन बी रिप्लेस बाय V बाय आर। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ पावर। बट इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट जो पावर है, पावर को हम लिखेंगे ई मल्टीप्लाई आई है ना। और जो ई है बेटा, ई को कैसे लिखते थे, वोल्टेज इन एसी इज रिप्रेजेंटेड एज ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना। तो अच्छा, आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट साइन ओमेगा टी ये किस केस में होता था, आपको याद होना चाहिए, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता था। तो अगर किसी भी एसी सर्किट की हम बात करते हैं तो बेटा इसमें कुछ फेज डिफरेंस आता है, या तो वोल्टेज आगे होती है या करंट आगे होता है या पीछे होता है। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें प्लस फाइव आ रहा हूं तो फाइव इज द फेज डिफरेंस। तो आप चेक करो कि टाइम के साथ बोथ दीज क्वांटिटीज आर वेरिंग, आर चेंजिंग। This value of voltage is called instantaneous voltage. This value of current is called instantaneous current. तो इसका मतलब क्या हुआ कि when I put the value of E and I here, E naught sin omega t, I naught sin omega t minus phi, the value of P, power जो आएगी ये भी क्या होगी, variable होगी, होगी कि नहीं? ये भी डिफरेंट टाइम्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पावर मिलेगी। इट मींस दिस पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, राइट बेटा। तो इसका ये मीनिंग हुआ बेटा कि हमने जब भी कोई क्वांटिटी वेरी करे टाइम के साथ, चेंज करे, तो हमें क्या करना पड़ता है उसको, फिर हम पावर इन एसी सर्किट कैसे निकालेंगे। ये तो ये पावर तो हर टाइम पे क्या होगी, डिफरेंट होगी है ना। तो इन दैट केस व्हेन अ क्वांटिटी व्हिच वेरी विद टाइम, व्हिच इज चेंजिंग विद टाइम, इन दैट केस वी विल फाइंड एवरेज पावर। ठीक है, इसका मतलब एसी सर्किट में हम पावर जो है वो कौन सी पावर निकालते हैं, एवरेज पावर। क्लियर, तो ये आपको आना चाहिए सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द मेन टॉपिक। थैंक यू।